अगर नई दिल्ली से 5,500 किलोमीटर दूर जापान के ओसाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज मच जाती है, अगर भूगोल की सीमाओं को तोड़ते हुए भारत से जापान तक जय श्री राम का नारा गूंजने लगता है, अगर इतिहास की किताबों से निकलकर गौरवशाली लम्हे वर्तमान का स्वागत भारत माता की जय से करने लगते हैं, और अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्सुक दिखता है, अगर दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर इस तरह सकारात्मक दीवार पर चमक रही है, तो मान लेना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कदम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां हिंदुस्तान वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ है, और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। पूरे विश्व को भी यह प्रेरित करने वाला है। इससे फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है। साथियों, भारत की यही शक्ति 21वीं सदी के विश्व को नई उम्मीद देने वाली है। जापान तो वैसे भी भारत का बेहद करीबी दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी की जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से दांत कटी रोटी वाली दोस्ती है। वो पहले भी आबे के निवेदन पर जापान जा चुके हैं और आबे भारत आ चुके हैं। अब उस रिश्ते को नई मजबूती मिली है। भारत के लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटना हमारे चुनाव और चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद, आप पहले भारत के मित्र थे जिन्होंने तुरंत टेलीफोन करके मुझे बधाई दी, और आज फिर से आपने बधाई दी। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सलेंसी, मुझे प्रसन्नता है कि G20 समिट की मेजबानी करना कितना बड़ा काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और बातचीत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जापान से ओसाका में हो रहे G20 देशों की बैठक में सबसे अहम है प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। इस पर बात आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बता दें कि ये G20 है क्या। G20 दुनिया के ताकतवर देशों का समूह है जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। इनमें 19 देश हैं और 20वां यूरोपीय संघ है। G20 के सदस्य देशों के पास दुनिया की GDP का 85% हिस्सा है। इन देशों का वैश्विक कारोबार 80% है और इनमें दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। पहले G7 के नाम से 7 देशों ने एक ग्रुप बनाया था जो बाद में बढ़कर G20 तक पहुंचा है। इस G20 की बैठक में दुनिया अपना चाहे जो भी लक्ष्य रखे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $50 ट्रिलियन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है। साथियों, न्यू इंडिया में हमारा ये सहयोग और व्यापक होने वाला है। हम आने वाले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सेक्टर हमारी प्राथमिकता है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, व्यापक इन्वेस्टमेंट उस पर भी हमारा बल है। विशेष तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को आज पूरी दुनिया में निवेश के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में सामने रखता है। G20 का जो मजमा आज जापान में लगा है, वही मजमा 3 साल बाद भारत में लगेगा। वैसे तो G20 के देशों में भारत को मेजबानी 2021 में ही करनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विशेष निवेदन पर इटली मान गया और ये 2022 में भारत में होगा, क्योंकि वो भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। वैसे ये सपना जितना खुशनुमा है, इस सपने को हकीकत की मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते में मुश्किलों के कुछ पत्थर भी हैं जिन्हें दूर करना है।
एक तो खुद को दुनिया का सिरमौर मानने वाला अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की बार बार तारीफ करते रहे हैं। Since India opened its economy, it has achieved astounding growth and a new world of opportunity for its expanding middle class. And Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one. लेकिन G20 सम्मेलन के साए में होने वाले द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिका अपने कुछ एजेंडे लेकर आ गया। अमेरिका सबसे पहले ये चाहता है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ वापस ले। दूसरी मुश्किल रूस के साथ भारत की S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की डील को लेकर है, जिस पर अमेरिका खुली धमकी दे रहा है कि इससे दोनों देशों के रक्षा करारों पर असर पड़ेगा। वैसे ही अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत ईरान से कच्चा तेल ना खरीदे, जबकि ईरान भारत को सबसे सस्ता तेल देता है। ये वही अमेरिका है जिसने भारत को हाल ही में अपनी व्यापारिक तरजीह वाली लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका 10% ज्यादा टैरिफ लेता है। ऐसे माहौल में ये चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने है कि कैसे वो जिद पर अड़े ट्रंप को रास्ते पर लाते हैं। 101 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उसमें आप कर रहे हैं, दूसरी बात है वापर है। हमारे यहाँ के टोटल 100 बिलियन करीब है, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि उसको उसको वो समाधान नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते हैं? कौन सा नुकसान हो रहा है उनको, कौन सा नुकसान पहुंच रहा है, ये बताएंगे हम, पूरा विश्वास मोदी समझाएंगे हमें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनयिक कौशल के लिए भी मशहूर हैं। जापान में वो अपने वैदेशिक मामलों के धुरंधर विदेश मंत्री एस जयशंकर को साथ लेकर गए हैं, इसीलिए उम्मीद है कि अमेरिका का ऊंट भारत के पहाड़ के नीचे जरूर आएगा।